तो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। गाइस आप लोगों को पता होगा, कल के दिन जो है हम लोगों ने जो कबूतर पकड़ा था कासनी, उसका पर खोला था, और एक जो कबूतर खरीद के लाया था बिस्किट कासनी कनाक, उसका भी पर खोल दिया था, ठीक है। अब गाइस मेरे को नहीं पता भाई, ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ शायद थोड़ा सा अपलोड करने में लेट हो जाए, लेकिन कल जो है गाइस मैंने कासनी कबूतर का पर खोला था। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि भाई जब भी आप उस कबूतर को ऊपर नीचे कराओ, या मतलब अपने छत पे आप कैसे कबूतर को सेट करते हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को भी न्यू कबूतर या फिर पकड़े हुए कबूतर को अपने छत पे सेट करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो गाइस अभी जो है शाम का समय हो चुका है, मैं रोज़ डेली 5 बजे कबूतर खोलता हूँ, लेकिन अभी जो है 5:30 हो रहा है, 5:30। उसका एक रीज़न है क्योंकि गाइस कभी भी अगर कोई आपका नया कबूतर है, आपने उसका पर खोला हुआ है, तो कभी भी थोड़ा कबूतर जो है लेट खोला करो, जिससे कि कबूतर होगा क्या, थोड़े कबूतर भूखे होंगे, वो जल्दी उड़ेंगे नहीं। मेरे देखो कबूतर जो है भाई बाहर आने के लिए देखो कैसे वो हो रहे, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो है लगी हुई है भूख। तो मेरे कबूतरों को भी भूख लगी है और जो न्यू है उसे भी भूख लगी होगी, तो कबूतर जल्दी उड़ेंगे नहीं, ठीक है। और गाइस देखो, और आप लोगों को एक चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ है जो अगर आप करोगे तो आपके कबूतर निकलने का चांस कम हो जाता है, सबसे पहले कबूतर खोलने से पहले, ये देखो यहाँ पे जो पानी है, हम लोगों ने पूरा बर्तन साफ़ करके पूरा पानी रख दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी पहले सबसे पहले पानी रख लिया करो, ये नहीं कि कबूतर खोलो फिर पानी रखो। तो भाई कबूतर क्या है, आपके पुराने कबूतर तो कहीं नहीं जाएंगे, वो अगर उड़ेंगे भी तो बैठ जाएंगे, लेकिन नया कबूतर अगर उठ गया तो उसको दिक्कत होगा, क्योंकि भाई अभी लॉफ्ट से निकला है कबूतर, नया है, उसको इलाका नहीं पता, अभी ऊपर नहीं बैठा हुआ है, तो अगर वो उड़ गया तो उसको बैठने में दिक्कत होगा। फड़क दे के बैठाना चाहो तो बैठा सकते हो, लेकिन अगर दूर निकल गया तो थोड़ा और दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात का भी आप लोग खास करके ध्यान रखना, कबूतर खोलने से पहले पानी रख देना, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी भी गाइस जब नया कबूतर आप छत पे सेट कर रहे हो तो थोड़ा सा जो दाना है ये ध्यान रखो कि कहीं थोड़ा सा दाना जो है रहे तो बढ़िया है, जिससे कि भाई कबूतर जब खुलते हैं ना, इनमें देखो चटक जो है अभी ज़्यादा है, देखो आओ ले देखो, तो गाइस ये तुरंत एकदम फड़फड़ फड़फड़ करके निकलेंगे, और उसमें कुछ चांस होता है कि कुछ कुछ कबूतर जो उड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर यही छत पे दाना रहता है तो कुछ कबूतर खाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो कबूतर मान लो कोई कबूतर उड़ भी गया तो वह भी देखता है हाँ भाई ये लोग दाना खा रहे हैं, तो बहुत जल्दी से बैठ जाता है, ठीक है। और जो नया कबूतर है अगर वह भी देख लेगा हाँ भाई दाना है तो जल्दी उड़ेगा नहीं, तो थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि लॉफ्ट से कबूतर निकलते ही कबूतर उड़ गया तो उसको बैठाना दिक्कत होता है, ठीक है। तो अब गाइस बिना कोई देरी किए हम लोग जो है कबूतर को बाहर निकालते हैं, भाई जल्दी से दरवाज़ा खोल दे। और गाइस हम लोग जो है अभी ऊपर आए हैं, आप देख सकते हो मतलब दरवाज़ा और वरवाजा पूरा बंद था, ठीक है, तो दरवाज़ा खोल के हट जा भाई। तो गाइस देखो ये चीज़ की बात कर रहा था, जब कबूतर निकलते हैं ना भाई तो मतलब बहुत ज़्यादा चटक होता है, और देखो ऐसे कुछ उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको उसको बैठाने की कोशिश करना है, आओ 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 ले आओ। और देखो वहाँ पे जो है कुछ कबूतर खाना स्टार्ट कर दिए, आओ आओ आओ, ये देखो देख रहे हो, मैं कुछ नहीं किया, लेकिन कबूतर गाइस जब लॉफ्ट से बाहर निकलता है तो उसमें मतलब थोड़ा सा अपने पर बाजू सही करने के लिए उड़ जाता है। देखो कितने इस समय पे उड़ गए, 4 कबूतर उड़ गए, लेकिन गाइस अब देखते हैं न्यू कबूतर कहाँ है। वो देखो एक तो गाइस वो रही, वो ऊपर ही जाके बैठ गई है जिसका पर कम है, ठीक है, तो इसका भी हमने पर खोल दिया था। ये देखो ये गाइस बिस्किट कासनी कनाक है, और ये देखो ये रही कासनी, ठीक है। तो गाइस ये जो है भाई निकल के यहाँ पे दाना उना खाने लगी थी, और देखो अभी जो है वो अभी अपने आप ऊपर जाके बैठ गई है, और मेरे ये जो कबूतर हैं ये भी आके बैठ जाएंगे, ठीक है, आओ आओ आओ। और गाइस कभी भी अगर कबूतर उड़ जाए तो ये नहीं कि भाई छत पे चारों तरफ घूमने लगो, ये करो हड़बड़ा जाओ, ऐसी गलती मत करना, एकदम आराम से बैठ जाना। अगर कोई नया कबूतर भी उड़ता है तो थोड़ा सा और दाना डाल सकते हो और कबूतर को आवाज़ मार के बुलाओ, ठीक है। देखो मेरे 4-5 उड़े थे, सभी के सभी बैठ गए, एक ये आ रहा है और एक और काला, ये देखो ये रहा, ये वो जो येलो आइस में गाइस फीमेल है ब्लैक वाली वो है, ठीक है। सो गाइस अब भी देखो कबूतर जो है दोनों के दोनों कबूतर जो है ऊपर भी बैठे, लेकिन जो पानी पीने के लिए यहाँ पे आ गए वो पानी पी के जो है दोबारा से वहाँ पे चला गया है, ठीक है। और अब गाइस होगा क्या
कि उड़ाने से ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आप कबूतर को अपने छत पे ऊपर नीचे करा देते हो, कबूतर छत का इलाका देख लेता है, तो उसके बाद तो भाई कोई उतना टेंशन नहीं होता। उसके बाद अगर एक बार आपने कबूतर को उड़ा के उतार दिया तो समझ लो कबूतर आपके पास टिक गया, ठीक है। तो अभी देखो गाइस ये क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये लोग खुद से ही करने लगे। अगर मान लो कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो नहीं करते, तो आपको खुद से कराना है, थोड़ा सा जैसे डरा देना है, आवाज़ मार के नीचे बुलाना है, देखो मैं वो करता हूँ। और आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे देखो सभी के सभी कबूतर जो है ग्रीट खाने में व्यस्त हो रखे, ठीक है। एक वो रही न्यू और ये जो है ऊपर बैठी हुई थी, तो इसको भी आवाज़ मारते देखते हैं आती है कि नहीं। आओ ले आओ आओ, ये देखो गाइस नहीं समझ रही है, क्योंकि भाई अभी जो है वो हाल में, मतलब कल ही हमने उसका पर खोला है, न्यू है, इसीलिए जो है उतना आवाज़ वो नहीं पहचान रही है, ठीक है। और बाकी के जितने भी मेरे कबूतर हैं वो सब देखो आओ ले ले ले, देखो ठीक है। जैसे गाइस मैं मतलब बुला रहा हूँ तुरंत मेरे तरफ देखने लग रहे हैं, और उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो थोड़ा मतलब इधर उधर वो कर रही है कि भाई मेरा घर कहाँ पे है, ये मैं कहाँ पे हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा बेचैन करेगी। कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि ऊपर बैठ के देखते 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 उड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये उड़े ना, उसके लिए आपको कबूतर को ऊपर नीचे कराते रहना है। अगर बाई चांस उड़ जाता है तो भी कबूतर को दाना डाल के नीचे बैठा लेना है, ठीक है। देखो कैसे दाना डाल के बैठाना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो गाइस अभी जो है मेरे पास ये रहा दाना का डब्बा, आओ ले ले आओ आओ ले आओ। ये देखो गाइस ये देखे ये तुरंत आ गई। तो अब थोड़ा सा इसको देखो, इतना सा दाना है, ले आओ आओ ले। सो गाइस इसी तरीके से आपको जो है जैसे थोड़ा सा आपने दाना डाल दिया, तो अभी जो कबूतर नीचे आ चुका है तो ये नहीं कि उसको दोबारा से डरा के बैठाओ, थोड़ी देर उसको घूमने दो। उसके बाद जब 2 मिनट 4 मिनट हो जाता है तो अगर वो दोबारा से अपने आप ऊपर जाके बैठता है तो कुछ देर के बाद दोबारा से नीचे बुलाओ, अगर नहीं जाता है तो खुद से आप नीचे उसको जो है ऊपर बैठा दो, ठीक है। अभी देखो मैं इन लोगों को जो है ऐसे ही थोड़ी देर घूमने दूंगा, और कुछ देर के बाद अगर वो ऊपर जाके बैठता है तो ठीक है, और अगर ऊपर जाके नहीं बैठता है तो मैं जो है थोड़ा सा डरा के जो है उसको ऊपर बैठाऊंगा, ठीक है। और गाइस एक ये देखो भाई, एक ये भी जो है वो न्यू कबूतर ही है, ले ले ले। देखो गाइस दोबारा से मैं बुला रहा हूँ अपने पास में, ले आओ आओ ले आओ 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 ले आओ आओ। वो देखो वहाँ पे है, ये देखो अब जो है गाइस ये दोबारा से जो है ऊपर जाके बैठ गया है, ठीक है। तो मतलब ये ऊपर नीचे इस तरीके से कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कबूतर थोड़ा बहुत पहचान रहा है अपने घर को, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि अगर ऊपर बैठ जाते हैं तो फिर नीचे नहीं आते, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सुबह के समय पर भी थोड़ा सा कम दाना दो, कुछ दिन 2 से 3 दिन थोड़ा कम दाना दो, जिससे कि कबूतर जो है शाम को पूरा भूखा हो जाए और दाना पे पूरा आपकी बात सुने, ठीक है। देखो मैं दोबारा से इसको नीचे बुलाता हूँ, ले आओ आओ आओ, ये देखो ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से जो है आप लोगों को भी अपने कबूतरों को सेट करना होगा। जो लोग बोलते हो कि भाई कबूतर हम लोग पर खोलते हैं कबूतर निकल जाते हैं, तो भाई उसका ये रीज़न होता है कि आप लोग जो है मतलब कुछ ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है कि भाई सुबह के समय थोड़ा कबूतर को कम दाना डालो, और सुबह के समय नए कबूतर को मत निकालो, क्योंकि सुबह में कबूतरों में और चटक होता है, उड़ने का चांस और ज़्यादा होता है, ठीक है। यही गाइस अगर आप शाम को कबूतर निकालते हो, कबूतर भूखा रहेगा तो आप उसको बहुत ही इजीली दाना पे जो है कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर कबूतर सुबह में आप खोलते हो और वो निकल जाता है तो उसको बैठाना मुश्किल होता है। तो न्यू कबूतर को कम से कम 10 दिन सुबह में मत खोलो, और सुबह में अगर आप खोल रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि थोड़ी देर खोलो और तुरंत उसको अंदर लॉफ्ट के अंदर ले जाने का ट्राई करो, ठीक है। सो गाइस इसी तरीके से आपको जो है जैसे थोड़ा सा आपने दाना डाल दिया, तो अभी जो कबूतर नीचे आ चुका है तो ये नहीं कि उसको दोबारा से डरा के बैठाओ, थोड़ी देर उसको घूमने दो। उसके बाद जब 2 मिनट 4 मिनट हो जाता है तो अगर वो दोबारा से अपने आप ऊपर जाके बैठता है तो कुछ देर के बाद दोबारा से नीचे बुलाओ, अगर नहीं जाता है तो खुद से आप नीचे उसको जो है ऊपर बैठा दो, ठीक है। अभी देखो मैं इन लोगों को जो है ऐसे ही थोड़ी देर घूमने दूंगा, और कुछ देर के बाद अगर वो ऊपर जाके बैठता है तो ठीक है, और अगर ऊपर जाके नहीं बैठता है तो मैं जो है थोड़ा सा डरा के जो है उसको ऊपर बैठाऊंगा, ठीक है। सो गाइस अभी जो है रोटी का मैंने पूरा एकदम चूरमा कर लिया है, ठीक है। तो अभी देते हैं, और कहाँ पे है भाई कबूतर वो देखो, एक वो रहा और दूसरा वाला ये रहा, ठीक है। सो गाइस अभी जो है कबूतर को सबसे पहले नीचे बुलाते हैं और देते हैं, आ ले आ आ, देखो
अभी उतना वो आवाज़ मेरा समझ नहीं रहा है, मेरे कबूतर जो है यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन वो जो है न्यू है, ठीक है। तो भी ले ले ले, जब गई रोटी डालूँगा ना तब जो है ये आएगा, देखो अब आने का देख रहा है। आओ ले, आओ 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 ले, आ आ आ। और गाइस कभी भी ध्यान रखो कि जब नए कबूतर को दाना दो, चाहे रोटी दो, कोई भी चीज़ दो, तो उसको आवाज़ मारते हुए देना है, जिससे कि वो आपकी आवाज़ को पहचाने। और किसी दिन उड़ भी जाता है तो भी जो है आपकी आवाज़ पे बैठ जाए कबूतर, ठीक है। तो यही कुछ स्टेप होता है। अभी जो है हम लोग कबूतर को दाना पानी करा के पूरा अंदर कर देंगे। और कल गाइस हम लोगों ने कबूतर का पर खोला था, आज जो है आपने देखा कबूतर को हमने ऊपर नीचे कराया, मैंने आपको बताया किस तरीके से कबूतर को खोलना होता है, ठीक है। अभी जब कबूतर पूरा दाना पानी कर लेगा और मौसम भी आप देखो थोड़ा थोड़ा शाम जैसा, मतलब शाम तो पूरा ही हो गया है, कुछ टाइम में अंधेरे जैसा होने लगेगा, तो सभी कबूतर के साथ में वो भी जो है चला जाएगा, ठीक है। और देखो मतलब सभी कबूतर यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन वो जो है बार बार ऊपर चला जा रहा है। आओ ले ले ले, आओ ले, आ आ आओ 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 ले, आओ ये देखो, आओ ले ले, आओ 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 ले। तो अभी गाइस पहले मैं रोटी डाल देता हूँ, उसके बाद जो है इनको दाना डाला जाएगा और फिर कबूतर को अंदर कर दूँगा, ठीक है। ये देखो ये आ गया, और दूसरा कबूतर जो है एक वो न्यू है, और दूसरा कहाँ पे है बिस्किट वाला, वो देखो वहाँ पे, ठीक है। सो गाइस इसी तरीके से अगर आप भी कबूतर खरीद के लाते हो या फिर कोई न्यू कबूतर पकड़ते हो, तो उसको इसी तरीके से कुछ छत पे सेट करना होगा। आपने आज समझ लो कबूतर का पर खोला, तो दूसरे दिन कबूतर को ऊपर नीचे कराओ, छत पे बैठाओ, कबूतर को इलाका दिखाओ। अब तीसरे दिन क्या करना होता है मैं आपको इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि भाई न्यू कबूतर को कैसे उड़ाया जाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में बस इतना ही, बस मैं कबूतर को दाना पानी डाल के अंदर कर दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और कोई दिक्कत आए, चाहे आपको कुछ भी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है, तो कमेंट्स करके मुझे बता देना। पर्सनल में बात करना है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करो, आप हमारे इंस्टा पेज पे पहुंच जाओगे। और जो भी आपको मुझसे बात करना है या फिर अपने कबूतर की वीडियो सेंड करना है, आप मुझे इंस्टा पे इजीली कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।